कोरोना महामारी के बीच जयपुर पुलिस ने अनूठी मुहिम शुरू की है। जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने शहर में करीब 1100 से ज्यादा भिखारियों को चिन्हित किया है जो सड़क पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सर्वे के दौरान पाए गए इन सभी भिखारियों को जयपुर पुलिस की ओर से जामडोली स्थित एक केंद्र में रखा जाएगा जहां उन्हें खाने पीने से जुड़ी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जयपुर शहर में करीब 1100 से ज्यादा भिखारी पाए गए हैं जो सर्दी गर्मी और बरसात में फुटपाथ के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे। कोरोना काल में इनका सर्वे कर खाने पीने और कपड़े आदि की पुलिस की ओर से व्यवस्था की जा रही है। जयपुर शहर में जो भिखारी हैं वैसे तो ये संख्या बड़ी टेंटेटिव है और ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो हमने लगभग 10 दिन पूर्व एक सर्वे पूरा किया है उसमें जयपुर शहर में लगभग 1100-1150 भिखारी होना सामने आया है। ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक जो अपन कह सकते हैं लगभग इतने भिखारी जयपुर शहर में हैं। तो अभी हमने सर्वे किया है, आगे क्या प्लान बनेगा, वो किस तरह से इनके वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है या पुनर्वास के लिए क्या किया जा सकता है वो आगे की बात है, उस पर जो भी प्लानिंग होगी वो देखेंगे, लेकिन अभी हमने ये सर्वे